जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी दावत एलटी फूड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, वो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के पास से इसने स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है। और अगर इसका वीकली और मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक्युमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही, मंथली चार्ट पे स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से एक्युमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली और एक नेरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला, हमें लगता है एलटी फूड दावत को यहाँ से बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके सेटअप के हिसाब से हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से अब 100 रुपए तक का अपसाइड यहां से बनते हुए दिखेगा। तो 95 से 100 तक के हम यहां से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में। करंट लेवल से अगर कोई भी डिप मिलती तो इसको ऐड करें, 69-66 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे और 61 तक की अपसाइड, 61 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 95 से 100 तक के टारगेट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में दावत में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो एलटी फूड्स इस पर खने खरीदारी, राइस स्टॉक्स फोकस में भी हैं, कुछ जीएसटी रिलेटेड बदलाव आए हैं, एक्सपोर्ट्स पर भी बात चल रही है, तो नजर रखें।